गोविंदा गोविंदा
त्वं लंघयते यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। भगवान श्री कृष्णचंद्र का हम लोग ध्यान करिए। कल हम लोगों ने छठे स्कंद में विभिन्न कथाएं श्रवण की थी, जिसमें सबसे प्यारी कथा भगवान के नाम की महिमा अजामिलोपाख्यान। अजामिल पंडित जी को नारायण नाम के द्वारा मुक्ति मिल गई। क्या नाम लिया था उन्होंने? नारायण। तो भगवान नारायण के नाम के कारण अजामिल का उद्धार हो गया। अजामिल के प्रसंग के बाद में देवश्री नारद जी को दक्ष जी का शाप लगा है। दक्ष जी के 10,000 पुत्र हुए। 10,000 पुत्र योग बल के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा उनको प्राप्त हुए थे। और उन्होंने 10,000 पुत्रों ने कहा, पिताजी हमारे लिए क्या कर्तव्य है? बोले बेटा, तुम विवाह करके सदगृहस्थ बनो और दिव्य संतान उत्पन्न करके इस सृष्टि को हरा भरा बनाओ। क्योंकि उस समय सृष्टि का सर्ग चल रहा था, निर्माण। तो ब्रह्मा जी ने उनको आके बोले, सदगृहस्थ में रहते हुए भगवान गोविंद का भजन करो, दोनों हाथों में लड्डू, ये लोक में आनंद और परलोक में भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा मिलती है। बोले, पिताजी हम गृहस्थ में तो विवाह तो कर लेंगे आपके आगे से, लेकिन शक्ति कैसे प्राप्त करें? बोले, भगवान श्री हरि का आराधन करो। तो वे वन में भगवान की तपस्या कर रहे थे, वही आ गए नारद जी। नारायण नारायण नारायण। अरे पुत्रों, क्या कर रहे हो? बोले, तपस्या। किसके लिए? विवाह के लिए। अरे विवाह के लिए कोई तपस्या की जाती? तपस्या तो भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए होती है। तो नारद जी ने उन सबको दीक्षा दे दी, सब विरक्त बन गए। आए थे भजन, अच्छी जगह शादी हो उसके लिए, और बन गए बाबा जी। बाबा जी कौन से? दो प्रकार के बाबा जी हैं भारत में, एक है शादीशुदा बाबा जी और एक है विरक्त, जो विवाह नहीं कराते। तो शादीशुदा बाबाओं में सबसे नंबर प्रथम बाबा जी कौन है? भोले बाबा। बोलो भोले बाबा की। और जो शादीशुदा नहीं है उनमें सबसे प्रथम श्रेणी में कौन है? बोले सुखदेव मुनि जी महाराज। तो चाहे गृहस्थ में रहो चाहे विरक्त में रहो, दोनों जगहों की जो महानता है वो है भगवान के भजन में। तो शंकर जी भी भजन कम नहीं करते और सुखदेव जी तो भगवान के लीला सुख है ही। तो जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहो, बस राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जब जब दक्ष जी को पता लगा मेरे पुत्रों को विरक्त बना दिया है, बड़ा दुख लगा। और नारद जी को बस कोसने लगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। फिर 1,000 पुत्र प्रकट किए। इन्होंने भी वही पूछा, पिताजी हमारे लिए क्या आ गया है? इसको बाहर निकालो जल्दी से।
बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इनको आगे बिठा दो। गऊ है बिल्कुल, वो नंदी था, सिंह मार रहा था। आगे आ जाओ, बिल्कुल आ गया। तो वहां 1000 बच्चों को भी नारद जी ने कोई बढ़िया सज धज करके बारात में जाए शादी करने के लिए, और कोई सन्यासी मिल जाए विरक्त, क्योंकि जिसका संग करेंगे वो ऐसे रंग बनेगा। जैसे हमारे योगी जी इस समय राज कर रहे हैं, तो योगी जी ने आकर के आते ही रोहिंग्या एक्ट चलाया, रोहिंग्या एक्ट। वो अच्छा भी था, वो एक्ट अच्छा भी था, क्योंकि कुछ प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, मिल रहे हैं, और पार्क में खुले में वो आपस में प्रेम प्रसंग में रत है, तो ये मर्यादा नहीं है। तो योगी जी ने सब अनुशासन बनाया कि प्रेम को बजारू चीज मत बनाओ। भगवान ने जीवों को हर प्रकार का सुख दिया है, तो प्रेमी प्रेमिकाओं का भी एक सुख होता है, तो उसको बजारू ना बनाया जाए कि पार्क में बैठे हैं वहीं बेशरम होकर के एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, सब लोग वीडियो बना रहे, फोटो बना रहे। तो योगी जी ने अच्छा काम किया, किसी को बुरा लगे तो लगने दो, क्योंकि प्रेम तत्व बहुत दुर्लभ तत्व है भाई। तो ऐसे ही संत महामुनि विरक्त थे नारद जी। नारद जी ने जैसे योगी जी ने कहा ना विवाह किया ना करने दूंगा, तो ऐसे ही भाई बात समझने की है। 1000 पुत्रों को भी बाबा जी बना दिया। कौन से वाले बाबा जी? सन्यासी बाबा। अब जो पिताजी इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं दक्ष जी की, अब मेरे बच्चे तपस्या करके आएंगे, अब मैं उनका धूमधाम से विवाह करूंगा, वो तो आए नहीं। किसी ने सूचना दी, अरे महाराज आपके बच्चों को 11000 पुत्रों को देवश्री नारद जी ने दीक्षा दे दी। कौन सी? संन्यास की। संन्यास में तुम्हारा सबका त्याग दिया। स्त्री क्या? स्त्री की लकड़ी की मूरत का भी त्याग होता है संन्यास में, लकड़ी मूरत का भी स्पर्श नहीं करना होता। तो इतना तो क्रोधित हो गए पिताश्री दक्ष जी कि अरे इस बाबा ने पूरा हमारा सत्यानाश कर दिया है। हर माँ बाप को खुशी होती है उसके बच्चों की ब्याह होगी, खुशी होगी है, कल को नाती पोते खेलेंगे कूदेंगे, तो ये सब क्या कर दिया? जैसा अपने यहाँ वैसे ही मेरे बच्चों को बना दिया। अब तुझे इस बात का मजा मैं चखाऊंगा। और हाथ में अंजलि में जल लेकर के कहा, हे नारद तूने एक पिता के सपने को तोड़ा है, हमें शाप देता हूं, तो कहीं भी दो ढाई घड़ी से ज्यादा नहीं ठहर सकता, क्योंकि अगर ज्यादा ठहर गया तो जहां ठहरेगा वहां सबको सन्यासी बना देगा। बोलो राधे राधे। अब रोने लगे भगवान से प्रार्थना में, प्रभु मैं तो आपकी सेवा में फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया हूं। आपने मुझे कहा था ये संसार का निर्माण किया है, इसमें पुत्र पोत्र उत्पन्न करो, अब बताओ मुझे जो करने ही नहीं दे रहा, प्रजा को आगे बढ़ाने नहीं दे रहा। अब तो मेरा भी मन है कि मैं भी जंगल में बैठ करके माला जपूं, सीताराम सीताराम। बोले नहीं नहीं अभी तुम्हें एक कार्य करना, तुम्हारी अभी 60 पुत्रियां होंगी, पुत्र तो चलो जो भी विरक्त हो गए होने दो। तो कहते हैं फिर वो गृहस्थ में आए हैं और उन्होंने योग धारणा के द्वारा, योग के द्वारा वो सृष्टि मानसिक सृष्टि थी, मन से ही उत्पन्न होती थी, मेरी पुत्रियां प्रकट हो, मेरे पुत्र प्रकट हो, ऐसी मैथुनी सृष्टि नहीं थी। तो वहां 60 कन्याओं का जन्म हुआ और उन्हीं 60 कन्याओं की संतानें पूरी दुनिया में फैल गई है।
60 कन्याएं किस किस को दी? दस कन्याएं तो धर्म जी को दी, दो कन्याएं भूतों को दी, दो कन्या अंगिरा मुनि को प्रदान की गई, विवाह कराया गया इनसे, दो कन्याएं कृषाश्व को और 13 कन्याएं कश्यप महामुनि ऋषि को। कश्यप जी की कितनी पत्नियां हैं? 13 पत्नियां। चंद्रमा को 27 बेटियां दी, वही 27 नक्षत्र कहलाए। कौन कौन से नक्षत्र होते हैं बता रहे हैं? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, छत्विशा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एवं रेवती। ये 28 नक्षत्र हैं। ये किसकी बेटियां हैं? दक्ष जी की। 60 बेटियों में से 27 देवी चंद्रमा को, 13 देवी कश्यप मुनि को और 4 बेटियां दी तारक्ष नामधारी कश्यप जी को। और इन्हीं से पूरे संसार में संतानें उत्पन्न हुई, किन्हीं से तो देवता उत्पन्न हुए। देवताओं की माता है अदिति, 12 देव सूर्य उत्पन्न हुए और दीदी से हुए राक्षस दैत्य। तिमी नाम की पत्नी से, कश्यप जी की पत्नी तिमी नाम की, उनसे जल में रहने वाले जलीय जीव उत्पन्न हुए, यानी कि सबके पिता कश्यप मुनि है। मछलियों के लिए वीर मछलियां हो, छोटी मछलियां हो, कोई भी जल में रहने वाले हैं तुझे। और माता कौन है उनकी? तिमी माता। बताइए कितना बड़ा हमारा विज्ञान है, कितना बड़ा हिंदू सनातन धर्म है कि मछलियों के माता पिता का नाम भी पता लग गया, कहां से उत्पन्न हुआ। किसी धर्म ने आज तक नहीं बताया होगा, इसलिए सनातन धर्म की जय जय बोलो। बोलो सनातन धर्म की। और जो गायें हैं, गायें उत्पन्न हुई है सुरभि नामक पत्नी के गर्भ से। गोमाता के पिता भी कौन हुए? कश्यप। और जो लताएं हैं, वृक्ष हैं, इला नाम की कन्या, इला, इला के संतान कौन है? ये सब पेड़ पौधे। राधे राधे बोलो अपने। अच्छा जी, राक्षसों की माता सुरसा नाम अहिन के माता, तो सुरसा नाम की कन्या भी आई कश्यप मुनि को। उन 13 पत्नियों में से एक पत्नी कौन है? सुरसा। और रामायण में सुंदरकांड में क्या आता है? सुरसा नाम अहिन के माता, अहिन माने राक्षस। अरिष्टा नाम की पत्नी के गर्भ से गंधर्व उत्पन्न हुए। गंधर्व भगवान का गायन करते हैं, गीत गाते हैं। ताम्रा नाम की पत्नी से हुए बाज मांसाहारी पक्षी। शर्मा नाम की पत्नी से हुए जंगली जानवर, बाघ, शेर, भेड़िया। ये सबके पिताजी कौन? कश्यप मुनि। क्रोधवशा नाम की पत्नी के गर्भ से हुए सांप, बिच्छू, जहरीले कीट, नाग आदि। और धनु के हुए 61 पुत्र बालखिल्य ऋषि। बताइए कितना सुंदर वर्णन हुआ है। एक बार नारद जी
अपनी सभा में नाच गान देख रहे थे अप्सराओं का। तो इनके सदगुरुदेव आ गए, तो गुरु के आते ही क्या करना था इनको, अपने सारे कार्यों को रोक कर दिए थे। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, जरूरी से जरूरी कार्य, क्योंकि गुरु से जरूरी कोई नहीं, और प्रणाम करना था, दंडवत लेट कर दिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इतनी सुंदर औरत नाच रही है, वाह क्या लटका झटका है, क्या पालों को घुमाती है, तो ऐसे घुमा लिया कि गुरु जी देखेंगे चले जाएंगे। तो गुरुदेव बहुत देर तक खड़े रहे कि अब देखिए। लेकिन गुरुदेव को अनदेखा कर दिया। तो कहते हैं गुरु रूठे हरि ठोर नहीं, हरि रूठे गुरु ठोर। अगर हरि रूठ जाए और कोई गुरु बनाए हुए तो वे गुरु उसकी सिफारिश करके हरि को मना लेंगे, उन्हें ना चाहते हुए उसको भक्त की गले लेना पड़ेगा। रामचरितमानस में ही ऐसे गुरु आए हैं जिन्होंने काव्य कौशल्य जी के पिछले इतिहास में उनको मनाया था, नमामि शमीशान कह करके निर्वाण रूप। तो गुरु बहुत दयालु होते हैं, भगवान से भी दयालु गुरु होते हैं। भगवान क्या है, बोले भगवान है न्यूट्रल। भगवान को जितना आप भजोगे भगवान भी आपको उतना ही प्रेम देंगे। 10 कदम आप भगवान के लिए चलिए तो भगवान भी आपके लिए उतना आपको देंगे। लेकिन जो भगवान के प्यारे लाडले संत भक्त हैं वो तो ये भी नहीं देखेंगे कि इसने पाप किया है, वो तुरंत गले लगा लेते हैं, तुरंत, एक सेकंड नहीं होती उनको, अपने पास बिठा के खिलाते हैं। जो प्रेम उनके पास में वो प्रेम दे देते हैं भगवान। तो बनते तो भगवान की कृपा से ही, लेकिन भगवान से एक कला संतों में ज्यादा होती है। गुरुजनों ने तो कहा है कि 3 कला ज्यादा होती है, 16 कला के भगवान है, तो 3 कलाएं संतों में ज्यादा होती है। तो यहां गुरु जी रूठ गए, और गुरु जी के रूठने से क्या हुआ, जो स्वर्ग की लक्ष्मी देवी थी, सब जगह लक्ष्मी रहती है, और लक्ष्मी जब तक वहां रहती है तब तक वहां खूब धन धान्य वर्षा होता है। लेकिन लक्ष्मी रूठ जाती है गुरु के अपमान से, लक्ष्मी रूठ जाती है। बोलो राधे राधे। तो स्वर्ग की लक्ष्मी रूठ गई और इनको असुरों ने जीत लिया। अब रोते रोते ब्रह्मा जी के पास आए, प्रभु हमारा स्वर्ग छिन गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम्हारे गुरु रूठे हैं, इसका कोई उपाय नहीं, गुरु एक है पूर्ण, बस गुरु से लगे रहो फिर तो कैसे ही कुछ भी होता है। तो चरणों में गिर के गिड़गिड़ाता रो रहा था, देखो देव गुरु तो रूठ गए, आप वहां जाओ पृथ्वी हो और किसी संत के चरण पकड़ लो, पृथ्वी में गुरु मिलते हैं। तो वहां से विश्वरूप जी को उन्होंने प्रार्थना की कि आप हमारे गुरु बन जाइए। बोले ठीक है बन जाएंगे, कि मुझे इंद्र से रक्षित कर दीजिए। इंद्र पद से मेरा रक्षित कर दीजिए, इन्होंने कहा। तो कहते हैं सबसे पहले तो सतगुरु देव देखो कितने दयालु हैं, नारायण कवच दे दिया, और ये नहीं पता ये शिष्य अब क्या करेगा आगे चल कर दिया। इस कैटेगरी के गुरु हैं भारत में, एक सेकंड में बस उसका रोना देखा, उसका चरणों में गिरना देखा और वो पिघल गए। और सबसे दिव्य अमोघ सुरक्षा कवच दिया श्री नारायण कवच, ले बेटा तू सुरक्षित हो जाएगा सब जगह।
और गुरु को ही असुरक्षित होना पड़ेगा। ऐसे चेले मिलते हैं कभी कभी। इतिहास गवाह है, पुराण गवाह है इस बात का। ओम हरिर्विद्या नमो सर्वरक्षां नस्तांग्र पद्मे पदकेन्द्रपृष्ठे जरानि जलमासिकतेषु चापा पाशां दधामोऽष्ट कुनोऽष्ट बाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् फलेषु मायावटुवा मनोव्याप्तिविक्रमेखेवतु विश्वरूप दुर्गे च वटव्याजमुखात् शिप्रभु पायां भृङ्गो सुर्योतपारि विमुञ्चतो यस्य माण्टासं दिशो विनेपुण्यपथस्य गर्भा रक्षत सोमाग्नेय विकल्प स्वदृष्टियो निर्धरो वराः राम त्रिकूटेष्वपि विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याध भर्ता कृचोऽस्मात् माम भूमि धर्माद किला प्रमादा नारायण पाखम नरसिंहासा। भगवान हमारी सब समय सब ओर से रक्षा करे, सार बात ये है। हम भगवान आपकी शरण में, अब हम नहीं जानते हमें क्या करना है। हम तो हरी शरणम, बोलो हाथ उठा के बोलो हरी शरणम, और प्रेम से बोलो हरी।